Good morning, everybody. My name is Pramod Kumar Nag. I am from Balangir. I am working for Centrum Waskil India Limited, and Centrum placed me in Netravanu High School, Jorasingha, as a tourism and hospitality trainer. आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कटलेरीज, मतलब हम कितने टाइप ऑफ कटलेरीज जानते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपको आज कटलेरीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कटलेरीज एक्चुअल होता क्या है। कटलेरीज होता है रूम सर्विस, रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट और कॉफ़ी शॉप में यूज होने वाला स्पून, फोर्क, नाइफ्स और टोंग्स, ये सब होता है कटलेरीज। तो मैं आज आपको वही कटलेरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको स्पून के बारे में बताऊँगा, फिर फोर्क के बारे में बताऊँगा, फिर नाइफ्स के बारे में बताऊँगा और उसके बाद और कुछ अगर बचा होगा कटलेरीज में तो मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्पून के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा एपी स्पून के बारे में। एपी स्पून मतलब, एपी का मतलब है ऑल पर्पस स्पून। आप सबको पता होगा स्पून का मतलब होता है चम्मच, तो वही एपी स्पून का मतलब होता है ऑल पर्पस स्पून। वो ऑल पर्पस स्पून का साइज होता है 8.8 इंच। 8.8 इंच को अगर हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 22.3 सेंटीमीटर होता है एपी स्पून। उसके बाद आता है सूप स्पून। सूप स्पून जो है 6.9 इंचेस का होता है और उसको अगर हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो 17.6 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टी स्पून के बारे में। टी स्पून जो चाय का चम्मच भी कहा जाता है और वही टी स्पून हम चाय में चीनी घोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो टी स्पून का साइज होता है 5.4 इंच। 5.4 इंच को अगर हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 13.7 सेंटीमीटर। और उसके बाद आता है कॉफ़ी स्पून। जैसे टी स्पून में टी में शुगर घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही कॉफ़ी में शुगर घोलने के लिए कॉफ़ी स्पून का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉफ़ी स्पून जो होता है वो टी स्पून से थोड़ा सा छोटा होता है। टी स्पून 5.4 इंचेस का होता है, वैसे ही कॉफ़ी स्पून 4.6 इंचेस का होता है और उसको अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो उसका साइज होता है 11.8 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम बात करेंगे डेजर्ट स्पून के बारे में। डेजर्ट स्पून जो होता है, डेजर्ट का मतलब मीठा होता है और मीठा खाने में जो चम्मच यूज होता है उसको कहा जाता है डेजर्ट स्पून। और डेजर्ट स्पून का साइज होता है 7 इंचेस। 7 इंचेस को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 18 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आइसक्रीम स्पून के बारे में। ये आइसक्रीम स्पून देखने में बहुत ही सुंदर होता है, बाकी स्पून से थोड़ा सा अलग दिखता है। इसका जो मुंह चौकोर होता है और आइसक्रीम स्पून में सिर्फ आइसक्रीम ही खाया जाता है और ये स्पून का साइज होता है 5.4 इंचेस और उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 13.7 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद हम लास्ट में जानेंगे सर्विस स्पून के बारे में। सर्विस स्पून, सर्विस का मतलब होता है सेवा देना, मतलब खाने को प्लेटर से प्लेट में डालने में सर्विस स्पून का इस्तेमाल होता है और ये सर्विस स्पून बाकी स्पून से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और ये स्पून का साइज होता है 9.9 इंचेस और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 25.2 सेंटीमीटर का होता है। ये तो था कुछ हमारे स्पून के बारे में। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ फोक्स के बारे में। तो फोक्स में सबसे पहले आता है एपी फोर्क। जैसे एपी स्पून था ऑल पर्पस स्पून, वैसे ही एपी फोर्क भी होता है ऑल पर्पस फोर्क। फोर्क का मतलब होता है कांटा चम्मच। तो ये कांटा चम्मच जो एपी फोर्क होता है उसका साइज होता है 7.5 इंचेस और ये 7.5 इंचेस को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 19.3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हम जानेंगे डेजर्ट फोर्क के बारे में। जो डेजर्ट फोर्क होता है वो मीठा खाने में इस्तेमाल होता है और ये
डेजर्ट फोक का उसका साइज होता है 6.9 inches, और अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 17.6 centimeter। उसके बाद हम जानेंगे फिश फोर्क, फिश खाने में इस्तेमाल होने वाला फोर्क। ये फोर्क 6.6 inches का होता है, और इसको अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये 16.8 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद हम जानेंगे फ्रूट फोर्क के बारे में, जो फोर्क में फ्रूट्स खाया जाता है, एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स। वो फ्रूट्स फोर्क का उसका साइज होता है 5.4 inches, और उसको अगर हम सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 13.7 सेंटीमीटर का होता है। हमारा जो अगला फोर्क है, उस फोर्क का नाम है स्नेल फोर्क। स्नेल जो होता है वो होता है शंख, और शंख खाने के लिए जो फोर्क इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है स्नेल फोर्क। और स्नेल फोर्क जो होता है उसमें सिर्फ दो ही काटा होता है, और उसका साइज होता है 6 inches, और 6 inches को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 15 centimeter। उसके बाद हमारा जो लास्ट फोर्क है उसका नाम है सर्विस फोर्क। जैसे सर्विस स्पून था जिसमें खाना को निकाल के प्लेट में देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही फोर्क को भी उसी में ही खाना को सर्व करने में ही इस्तेमाल किया जाता है। और सर्विस फोर्क का उसका साइज होता है 10 inches। 10 inches इज इक्वल टू 25.5 centimeter होता है। और इसके बाद हम जानेंगे कुछ नाइफ्स के बारे में। हमारा पहला नाइफ है एपी नाइफ। जैसे एपी स्पून था, एपी फोर्क था, वैसे ही एक एपी नाइफ भी होता है। जो एपी नाइफ में उसको जो कहा जाता है उसको भी कहा जाता है ऑल पर्पस नाइफ। और ये ऑल पर्पस नाइफ का साइज होता है 9.6 inches, और अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 24.4 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद आता है हमारा बटर नाइफ। बटर नाइफ जो होता है वो 7.8 inches का होता है, और उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो 20 सेंटीमीटर का होता है। और ये बटर नाइफ में ब्रेड में बटर लगाने के लिए ये बटर नाइफ इस्तेमाल होता है। और उसके बाद अगर उसके बाद हमारा नेक्स्ट नाइफ आता है बीएनबी नाइफ। बीएनबी का मतलब होता है ब्रेड एंड बटर नाइफ। तो ये ब्रेड एंड बटर नाइफ का साइज होता है 8 inches होता है इसका साइज, और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 21.5 सेंटीमीटर का होता है। और फिर इसके बाद आता है हमारा फिश नाइफ। ये जो फिश नाइफ है इसको फिश काटने में व्यवहार किया जाता है, और इसका साइज होता है 8.2 inches, और 8.2 inches को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 20.9 सेंटीमीटर का होता है। और हमारा जो लास्ट नाइफ है वो लास्ट नाइफ 7 inches का होता है, उसका नाम है फ्रूट नाइफ। ये फ्रूट नाइफ जो है 7 inches का है, और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 18 सेंटीमीटर का होता है। तो ये तो था हमारा कुछ स्पून, कुछ फोर्क और कुछ नाइफ के बारे में। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ अलग होता है, जो ना स्पून होता है, ना नाइफ होता है, ना ही फोर्क होता है। जैसे कि एक हो गया आइस टोंग। जैसे बेवरेज में आइस डालने के लिए एक टोंग यूज़ किया जाता है, उस टोंग को आइस टोंग कहा जाता है, और उसका साइज होता है 6.2 inches, और 6.2 inches को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 15.7 सेंटीमीटर होता है। वैसे ही एक शुगर टोंग होता है, चाय में शुगर क्यूब डालने के लिए ये टोंग यूज़ किया जाता है, और ये टोंग का साइज होता है ओनली 3.5 inches, और अगर इसे हम सेंटीमीटर में देखें तो 9 सेंटीमीटर ही होता है। तो ये था कुछ आज का हमारा टोंग्स, फोर्क, स्पून और नाइफ्स के बारे में। अभी मैं कुछ आपको अलग बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर सर्विस स्पून और सर्विस फोर्क एक साथ होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जब सर्विस स्पून और सर्विस फोर्क एक साथ होते हैं तो उन्हें कहा जाता है सर्विस गियर। और सर्विस गियर के यूज से क्या किया जाता है कि खाना को प्लेटर से प्लेट में डालने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा डेजर्ट स्पून और फोर्क।
अगर डेजर्ट स्पून और फोर्क एक साथ अगर मिल जाते हैं तो उनको कहा जाता है डेजर्ट इंडिकेटर, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हमें स्पून और फोर्क को एक ही साथ यूज़ करना होता है, और जब हम उसे एक साथ यूज़ करते हैं डेजर्ट स्पून को और फोर्क को, तो उसे हम कहते हैं डेजर्ट इंडिकेटर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टाइप ऑफ कटलेरी। मुझे लगता है कि आज का हमारे ये टॉपिक से और मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, और यहीं पे मैं अपना वीडियो रखता हूँ। धन्यवाद।